दिल्ली हिंसा को लेकर आपको बता दें, एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त यह है, शरद पवार ने कहा है कि चूंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के नियंत्रण में है, लिहाजा दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए केंद्र ही जिम्मेदार है। केंद्र को बताना चाहिए कि आखिर राजधानी में कैसे 41 लोगों की मौत हुई, हिंसा कैसे फैली और दिल्ली पुलिस वक्त रहते हिंसा को काबू करने में नाकाम क्यों रही। शरद पवार का ये तीखा हमला सीधे सीधे केंद्र सरकार पर। प्रयास घटने न दिल्ली से लोक प्रतिनिधि सत्ताधारी त्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था बघण्याचा अधिकार नाही, तो अधिकार केंद्र सरकारचा आहे। आणि त्यामुळे दिल्लीमध्ये जे घडतंय त्याची 100% जबाबदारी केंद्र सरकारवर पडते, कारण कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे। आणि त्यांच्याकडे ही जबाबदारी असताना आज हे चित्र दिल्लीमध्ये असेल तर साहजिकच याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाला चालता येणार नाही।